आधार कार्ड फर्जीवाड़े के मामले में चंबा पुलिस ने बंगाल में जाकर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जो प्रदेश के आधार कार्ड बनाने वाले ऑपरेटरों की जाली आईडी बनाकर अज्ञात लोगों के आधार कार्ड बना रहा था। अब तक इस फर्जीवाड़े में चंबा पुलिस 5 गिरफ्तारियां कर चुकी है। आगामी दिनों में पुलिस की तरफ से और गिरफ्तारियां होने के संकेत दिए गए हैं। फर्जीवाड़े का शायद कभी पता भी नहीं चल पाता, लेकिन जिस कंपनी को प्रदेश में आधार कार्ड बनाने का ठेका मिला था, उस कंपनी ने चंबा जिला में भी 4 ऑपरेटर नियुक्त किए थे जिनकी आईडी बनाई गई थी। इसके लिए ऑपरेटर के फिंगरप्रिंट से लेकर आंखों को स्कैन किया गया था, जबकि इन ऑपरेटरों की जाली आईडी बंगाल और महाराष्ट्र में भी बनाई गई, जहां रोजाना लोगों के आधार कार्ड बनाए गए। ये आधार कार्ड किन लोगों के बने हैं इसके बारे में अभी तक किसी को भी जानकारी नहीं है। यह धंधा यूं ही जारी रहना था, लेकिन कंपनी से जुड़े शातिरों ने चंबा के एक ऑपरेटर के बैंक खाते से पैसे निकाल लिए। इसको लेकर ऑपरेटर ने चंबा थाने में शिकायत दर्ज करवाई और इस प्रकार की साजिश होने का शक जाहिर किया। इसके आधार पर पुलिस ने मामले में अपनी जांच शुरू की। आधार से रिलेटेड जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो थाना सदर चंबा में दर्ज हुआ था। इसमें पुलिस जो है वो अभी तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। 4 लोग जो पहले अरेस्ट किए थे ये अभी बेल आउट हो गए हैं, और पुलिस ने 2 दिन पहले ही एक व्यक्ति जो कि पश्चिम बंगाल का रहने वाला है उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इस व्यक्ति से हमने लैपटॉप डिवाइसेस, कुछ आईडी स्कैनर और फिंगरप्रिंट डिवाइसेस, साथ में कुछ स्टैम्प्स और कुछ कागज़ जो है वो वहाँ से सीज किए हैं, जिनका कि पुलिस विश्लेषण कर रही है। ये व्यक्ति अभी 3 दिन के रिमांड पे है और इससे आगे पूछताछ पुलिस करेगी कि इसमें और कितने लोग शामिल हैं। कितने लोगों के शामिल होने की संभावना सर अब तक सामने आई है? देखिए, ये इंटरस्टेट रैकेट लगता है, जिसमें कि हमने पहले जो व्यक्ति गिरफ्तार किए थे उनमें से कुछ लोग यूपी के रहने वाले थे, और इस व्यक्ति की गिरफ्तारी वेस्ट बंगाल से हुई है। और भी इसमें गिरफ्तारियाँ संभव हैं, और पुलिस जो है वो काफ़ी सारी स्टेट्स से टच में है कि इसमें और जगह इस तरह के फ्रॉड्स तो नहीं हुए।